हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिल्ली के INA मार्केट घुमाने के लिए लेके जा रही हूँ। तो ये देखिए, हमने ऑटो ले लिया है और हम निकल चुके हैं INA मार्केट के लिए। और आज रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि आज क्रिसमस है, तो हर कोई बाहर घूमने फिरने निकलता है। अब हम पहुंच चुके हैं INA मार्केट। तो सबसे पहले जाके हम ये कुछ एसेसरीज, क्लचर्स वगैरह देख रहे हैं, और यहाँ पे झुमके वगैरह बड़े प्यारे लग रहे थे। तो कुछ इस तरीके की है ये INA मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी वैरायटी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे पूरे मार्केट में आज डेकोरेशन का सामान लगा हुआ था, तो देखने में काफ़ी अच्छा था। और आज मार्केट में भी बहुत रश था क्योंकि लोग अपनी त्योहारों की शॉपिंग वगैरह करने आए थे यहाँ पे। तो मैं भी आपको थोड़ा सा मार्केट दिखा देती हूँ कि ये मार्केट आखिर दिखता कैसा है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं या INA मार्केट के आसपास रहते हैं, वो तो ज़रूर आए होंगे यहाँ पे, बट जो दूर रहते हैं, जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम एक शॉप में गए हैं, तो यहाँ पे अब काफ़ी बड़ी बड़ी ये शॉप्स बन गई हैं और काफ़ी फैंसी शॉप बन गई है। पहले बहुत ही सिंपल सी शॉप हुआ करती थी, बट धीरे धीरे टाइम के साथ अब यहाँ की शॉप्स भी बदल गई हैं। मैं आपको बता दूँ, INA मार्केट यहाँ का बहुत पुराना मार्केट है, मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ यहाँ पर। और खाने पीने के बहुत अच्छे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये चाट लगवा रहे हैं, तो ये स्वीट पोटैटो की चाट है। तो इसको भुना हुआ रहता है और इसके ऊपर बस हल्का सा मसाला और नींबू डाल के देते हैं, काफ़ी टेस्टी थी। उसके बाद हमने वड़ा खाया। तो ये वाली भी जो शॉप है ना डोसा की, ये भी काफ़ी पुरानी शॉप है, मतलब मैं तो बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ, और मेरे पापा भी यहाँ पर आया करते थे। उसके बाद ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सुंदर सी डेकोरेशन, तो इसकी वजह से मार्केट बहुत सुंदर लग रहा था और काफ़ी अच्छी रौनक हो रखी है मार्केट में। लोग अभी घर आ चुके हैं INA मार्केट से, और आज काफ़ी ज़्यादा रश था मार्केट में क्योंकि आज है क्रिसमस का दिन। तो आज कहीं भी चले जाओ, बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि लोग आज घूमने फिरने निकलते हैं, छुट्टी वाला दिन है। तो हम लोग भी कुछ चीज़ें लेके आए हैं वहाँ से, तो खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे INA में खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बेकरी आइटम वहाँ पे काफ़ी मिल जाते हैं और तरह तरह की क्रॉकरी आइटम्स मिल जाते हैं। अगर आप बेकिंग करना पसंद करते हैं तो बेकिंग के लिए काफ़ी सारे बर्तन वगैरह मिल जाते हैं वहाँ पे। तो हम लोग भी कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आए हैं वहाँ से, और अभी शाम का टाइम है तो सबसे पहले चाय पी लेते हैं। आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग INA मार्केट से क्या क्या लाए। तो ये देखिए, एक तो ये है नान खटाई का पैकेट, जो कि खाने में तो काफ़ी टेस्टी है बट मीठा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम लाए एक ये बनाना चिप्स का पैकेट, तो ये इतना बड़ा 1 kg का बनाना चिप्स है। बनाना चिप्स मुझे बहुत पसंद है और INA मार्केट में ये चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, एक ये रस्क का पैकेट है, तो ये है देहरादून रस्क। तो मैंने सुना है देहरादून के रस्क ना काफ़ी फेमस होते हैं, मैंने काफ़ी जगह पर सुना हुआ है बट मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, तो ये मैं लेके आ गई हूँ। तो देखते हैं क्या देहरादून में सही में ऐसे रस्क मिलते हैं देहरादून से। जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कैसा टेस्ट होता है। वैसे तो मैं जब खाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा, बट ये ओरिजिनल है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लेके आए हैं एक ये केक, तो ये है चॉकलेट वॉलनट केक। आज क्रिसमस है तो केक ले आए हम लोग। वैसे तो मैंने सोचा था मैं घर पे ही प्लम केक बनाऊंगी, बट टाइम ऐसे ही निकल गया, सारा छुट्टी वाला जो टाइम था वो सब ऐसे ही निकल गया और मैं नहीं बना पाई। होपफुली मैं बनाऊँ कभी। मैंने सारा सामान ला के रखा हुआ है, बस मुझे केक बनाना है। तो देखते हैं, जब मेरा एकदम से मूड होगा ना, एकदम से मन करेगा तो मैं उसको बना लूँगी। सामान तो मेरे पास सारा रखा हुआ है। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी, छोटी सी वीडियो मैंने बनाई। मुझे ना ऐसे समझ नहीं आता है कि क्या बनाऊँ, क्या कंटेंट लूँ, तो मैंने सोचा चलो आज मैं INA मार्केट जा रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि दिल्ली की INA मार्केट कैसी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मार्केट अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगली नई अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।